बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुछ बाश होंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि इतने सारे आम यहाँ क्यों रखे हैं, मैं ये सब खाने नहीं बैठी। असल में सब बिल्कुल नहीं, दरअसल आम का मौसम जाने वाला है तो मैं सोचा कुछ दिन और मज़े कर लिए जाएँ, बस इसीलिए आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। ये हम ऐसा करेंगे कि हम सारे आमों को पहले छीलेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे, ताकि उसके बाद जो है हम इसको फ्रीज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। कभी हम इसको शेक में यूज़ कर लेंगे, कभी हम इसकी खीर बना लेंगे, या फिर इसका बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होता है। मैंगो शेक बना सकते हैं, कस्टर्ड बना सकते हैं, और जैसे ही मेहमान आए फ़ौरन से आप इसको मैंगो शेक बना के दे सकते हैं। और आप भी जानते होंगे कि हर जगह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहले हम इसके छिलके उतार के इसका पल्प निकालते हैं या इसको पीसीस में बना के रख लेते हैं। फिर मैं सारे आम छील लेती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। ये मैंगो पल्प हमने सारा निकाल लिया, ठीक है, और अब इसको मैश कर लेंगे। अभी पूरा मैश कर लें, उसके बाद फिर बताते हैं क्या करना है। बस अब ये शेक हो गया है, अब इसको हम शॉपर में डाल के सेव कर लेंगे। बस इस तरह थैलियाँ बना के रख देंगे। फिर अब जब भी हमें इसमें चाहिए होगा शेक बनाना, आइसक्रीम बनाना है, या खीर बनानी है मैंगो की, कुछ भी बनाना है, तो हम इसे निकाल के फ्रीज़र में से और यूज़ कर लेंगे। साफ़ कर लें ताकि ये बंद करने में मसला ना हो। इसको साफ कर लें और इसको इसकी एयर निकाल दीजिएगा ताकि इसको रखने में मसला ना हो। देखिए इसकी एयर निकल गई बिल्कुल, ये आराम से ये आप इसको रख दें, सेव कर दें। और उसके बाद ये हमने रोक लिया है, इसका भी हम आपको जैम बना कर दिखाते हैं कि कैसे बनते हैं मैंगो जैम।